हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल व्लॉग है। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने व्लॉग को जो है वो पूरा देखना है। मैं आप लोगों के साथ लिबर्टी मार्केट और जो लाहौर के बाज़ार हैं वहाँ की सारी जो रौनकें हैं वो शेयर करूँगी, और वहाँ से मैंने जो शॉपिंग की और क्या क्या चीज़ें न्यू आई हुई थी वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो मैंने स्पेशल डिज़र्ट बनाया है 14th अगस्त पे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अपनी जो सारी तैयारी है जो मैंने शॉपिंग की वो भी। तो चलिए फिर व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी हम आए हैं जी लिबर्टी मार्केट में, और यहाँ पे देखिए जी आते ही मुझे क्यूट से जो ड्रेसेस बच्चों के ये नज़र आए, और इसके बाद जो है वो बच्चों के साथ साथ जेंट्स के जो है वो भी कलेक्शन थी यहाँ पे 14th अगस्त के मुताबिक। ग्रीन और ऊपर वेस्ट कोट है, साथ में जो है वो वाइट शलवार या पजामा जो भी आप लेना चाहें। और इसके साथ साथ मैं जो है वो लेडीज़ सेक्शन में आ गई, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं पहले वो कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं आपको 14th अगस्त के ड्रेसेस भी दिखाऊंगी, और इसके साथ साथ जो लॉन की शर्ट्स होती हैं स्टिच शर्ट वो भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आपको मिल सकती हैं नॉर्मल, जो आप घर में भी पहन सकते हैं, और वैसे भी इसके साथ आप ट्राउज़र मैच करके तो इधर उधर जब जाते हैं तो कैजुअली आप पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लॉन्ग फ्रॉक भी थे ग्रीन और वाइट के प्रिंट में, और मिड में जिनकी स्लिट है वो वाले, और शॉर्ट भी थे। तो मुझे तो वैसे अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मुझे लॉन्ग फ्रॉक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं लेती भी हूँ, लेकिन वसीम को जो है वो ये वाले फ्रॉक नहीं अच्छे लगते, लेकिन उन ये वाला जो वाइट और ग्रीन जिस पे कढ़ाई हुई ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वसीम को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो मुझे कह रहे थे कि ये ले लो। तो ये कलियों वाला घेर वाला फ़्रॉक है, शॉर्ट है लेकिन इसका घेर काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने कहा चलिए पहले आगे भी देख के आते हैं ना, फिर आके तो डिसाइड करेंगे, मे बी इससे अच्छा कोई और हमें मिल जाए। तो ये देखिए 14th अगस्त के लिहाज से वाइट और ग्रीन यहाँ पे भी हर तरफ आपको वाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन ही नज़र आएगा, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट है जी फूड पॉइंट लिबर्टी का बहुत ही फेमस, तो यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ जो है वो आई हुई हैं, जो शॉपिंग करने आते हैं यहाँ पर, खाते पीते हैं इन्जॉय करते हैं, साथ साथ शॉपिंग हो रही होती है, बिल्कुल साथ ही ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, कपड़े जूते हर चीज़, और साथ में जो है वो उन्होंने ये जगह बनाई है। तो हमने कहा कि हम भी चना चाट खा लेते हैं, तो फिर थोड़ी और हिम्मत आएगी, फ्रेश अप हो जाएंगे, और ज़्यादा फिर जो है अच्छे से व्लॉगिंग भी होगी और कैप्चर भी होगा। और इसके साथ साथ जो है वो लेमन सोडा, चाट खाने के बाद हमने लेमन सोडा पिया, ये पी के तो एकदम से ठंड पड़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी पसंद है यानी मुझे बताइएगा। तो और फिर हम घूम फिर के वापस उसी स्टॉल पे आ गए हैं, क्योंकि इन ये वाला जो है ना शॉर्ट फ्रॉक, तो वसीम कह रहे थे कि ये लोई काफ़ी अच्छा यूनिक सा स्टाइल है बाकियों से। तो ये देखिए मैं आपको और भी दिखाती जाती हूँ। साथ में ये वाइट शर्ट्स थी सिर्फ सिंपल, इन पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हुई हुई थी, और यहाँ इसमें यह है कि ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला मैंने डिसाइड किया कि चलो यही ले लेती हूँ। और वैसे मेरा दिल लॉन्ग फ्रॉक पे भी था, लेकिन लास्ट जो अगस्त में ना मैंने ग्रीन शर्ट ली थी, मुझे अभी भी याद है, तो इसलिए फिर आज अभी मैंने वाइट का ज़्यादा किया है बीच में। तो ये देखिए ये सारी जो शर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये 1200 में आपको 3 शर्ट्स मिलेंगी, इसमें 14th अगस्त के का भी है प्रिंट, और वैसे जो आप घर में पहनते हैं या कहीं इधर उधर जाएं तो आप पहन सकते हैं, वो सारे प्रिंट्स हैं। ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये तीनों जो है वो 1200 की हैं, मतलब 3 शर्ट्स आपको 1200 की मिलेंगी। इससे पहले ये 1000 की मिलती थी, लेकिन अब जो है वो ज़रा महंगाई ज़्यादा हो गया तो 1200 इन्होंने प्राइस कर दी है। और ये जो सारी शर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी सारी लॉन की हैं, और
ये सारे जो है वो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट है, और मैं घर में पहनने के लिए ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये लॉन जो होती है ना बहुत ही पतली सी होती है, इसमें ज़रा भी जो है वो गर्मी वगैरह फील नहीं होती। और डिफरेंट डिफरेंट ये प्रिंट्स होते हैं, इनके साथ आप ट्राउज़र मैच कर लीजिए, वाइट ब्लैक ऑफ वाइट, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा आपका एक ड्रेस बन जाता है। तो इसके अलावा ये वाली जो शर्ट है इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, थोड़ा सितारा वर्क है और मोती लगे हुए हैं। तो इसकी प्राइस डिफरेंट थी, ये 1400 में थी, एक मतलब 1400 में वन पीस आपको मिल रहा था। और जो पहले मैंने आपको दिखाई है ना लॉन की जो है, वो थ्री मतलब पीस मिल रहे थे आपको, थ्री शर्ट्स मिल रही थी 1200 में। और ये सारी जो आपको नज़र आ रही हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। ये जो मिरर वर्क है ये 1200 की थी शर्ट, और इसमें फ्रॉक्स भी हैं और शर्ट्स भी हैं। तो इसके साथ ये देखिए इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये जो ब्लू है ये लॉन्ग फ्रॉक है, और इस पे मिरर वर्क हुआ हुआ है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन ये स्मॉल साइज़ में था। तो मैंने कहा कि चलो अभी जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा जब चक्कर लगेगा तो फिर ये भी ले लेते हैं। जब भी चक्कर लगे कोई ना कोई चीज़ न्यू आई होती है तो फिर बंदा ले लेता है। तो इसके बाद मैंने कहा कि मैं इसके साथ कोई दुपट्टा मैच कर लूँ, तो ये स्टॉलर वाले स्टॉल पर आई थी मैं। यहाँ पर हर किस्म के आपको स्टॉलर दुपट्टे स्कार्फ़ मिल जाएंगे, आपको मैचिंग करने बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। लेकिन जो चीज़ कहते हैं ना कि चाहिए होती है तो वो और ही दूर होती जाती है। तो मुझे जो मतलब ग्रीन मेरा मेरे फ्रॉक पे जो कलर था ना वो थोड़ा लाइट में था, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं था। तो फिर मैंने एक दफ़ा सोचा कि वाइट दुपट्टा ले लेती हूँ, फिर लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ट्राउज़र भी वाइट है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं, और भी स्टॉल्स बहुत से हैं। तो ये देखिए आपको ह्यूज कलेक्शन जो है वो दुपट्टा की मिल जाएगी, और फाइनली मुझे मेरा जी दुपट्टा मिल गया। ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है। तो ये वाला कलर था, थोड़ा लाइट सा है, मतलब उस तरह से डार्क ग्रीन नहीं है लेकिन ग्रीन के शेड में ही आ रहा है। तो ये जो है मैंने ले लिया। इसके बाद जी मैंने सोचा कि चप्पल मैच करूंगी, चप्पल ले लूंगी या सैंडल या फिर खुसा, लेकिन फिर जो है ना मुझे ये हुआ कि मैंने सोचा चलो सैंडल ले लेती हूँ, लेकिन सैंडल जो है ना मुझे जो पसंद डिज़ाइन आ रहा था उसके तो मुझे साइज़ ही नहीं मिला। तो यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ पे है ट्राउज़र, और यहाँ से आप ट्राउज़र मैच कर सकते हैं वाइट में, ऑफ वाइट में। आपको इस पर एम्ब्रॉयडरी भी हुई मिल जाएगी, कटवर्क हुआ मिल जाएगा, मोती सितारे, जिस तरह का भी आपको चाहिए, शलवार चाहिए तो शलवार मिल जाएगी, ट्यूलिप शलवार भी मिल जाएगी, घेर वाली भी और दूसरी भी। तो मैं यहाँ पर अभी ट्राउज़र देख रही हूँ कि कौन सा मैच किया जाए, और जिस पर डिज़ाइन बन के तो मोती वगैरह ये देखे लगे होते हैं। इस तरह के ट्राउज़र्स भी थे, आजकल हर चीज़ जो है वो रेडीमेड मिल जाती है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करवाए टेलर से बंदा, और फिर टेलर भी इतना ज़्यादा दिमाग खाते हैं और इतनी ज़्यादा सिलाई भी दे, तो इससे अच्छा है कि रेडीमेड ही मिलता है। तो अगर आपका साइज़ अवेलेबल है तो आप ले लीजिए। और इसके बाद एक और शॉप पे मैं आई थी, यहाँ पे मुझे खुसा नज़र आ गया वाइट कलर का। वैसे पहले मेरा प्लान सैंडल का ही था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल कर गया कि चलो खुसा ही ले लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने खुसा पहना भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा कलेक्शन दिखा दूं कि समर की जो जो डिज़ाइंस जो है वो आए हुए हैं। तो ये देखिए, और एक ये सामने वाइट चप्पल जो आपको नज़र आ रही है, ये भी मैंने ट्राई की थी लेकिन इसमें भी साइज़ नहीं था। अच्छा, जब वो देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ये 9-10 नंबर, मैंने कहा 10 नहीं 11 नंबर, पाँव मेरा बड़ा है। और इसके बाद जी मैं आपको स्टॉल्स दिखाती हूँ जिन पे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो 14 अगस्त के हवाले से आई हुई हैं, तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। ये देखिए जी, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा आइटम आए हुए हैं, और बड़ों के लिए भी वैसे थी। मैंने जो है वो यहाँ से नेल लिए, नेल्स पे ना वो फ्लैग का सारा प्रिंट बना हुआ था ग्रीन और वाइट, जो आपने भी देखा भी है वीडियो में, वो मैंने यहीं से लिए थे, और मुझे आप यकीन करें बहुत ही अच्छे जो है ना प्राइस में मिल गए। तो मैंने कहा ये तो एक किस्म के मुफ्त ही मिल गए, तो ले लेते हैं, एक ही दिन की बात है। और ये देखिए, ये इस तरह से गजरे आए हुए हैं वाइट और ग्रीन, ये मैंने नहीं लिया, मेरे पास जो है ना वो एक पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा ये थोड़ा सा ना ओवर हो जाएगा, फिर मैंने इसलिए नहीं भी लिया। और इस सीम कह रहे थे अच्छा ये बना हुआ किसका, मैंने कहा ये इस तरह से बना हुआ है, मेहंदी वगैरह पे ब्राइड्स जो है ना वो भी पहनती हैं येलो और वाइट में, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आजकल आए हुए हैं। और इसके बाद मैंने कहा कि हमने मैंने ना फ्लैग लेना है, तो ये वाला तो वसीम कहते हैं ये तो नकली लग रहा है, इस पर कायदे आजम की तस्वीर बनी हुई है, असली फ्लैग पे कायदे आजम की तस्वीर नहीं होती, सिर्फ चांद और सितारा बनाते। तो मुझे तो पहले याद ही नहीं, मैंने कहा अच्छा ये नहीं होती बनी। तो फिर हमने ना भाई को बोला कि ये तो आप ओरिजिनल वाला दें, तो कहता है आज़ाद तो इन्हीं की वजह से हुए थे, तो फिर आप यही ले लें। उसके बाद जी हम आ गए घर वापस, और अभी ये 14 अगस्त का दिन है, जो मैंने आपको बाकी सारा दिखाया वो 13 अगस्त की रात थी।
तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही हूँ बनाना फ्लेवर, और जेली भी जो है वो भी बनाना फ्लेवर, और ग्रीन कलर में मुझे चाहिए था सब कुछ। तो इसके बाद जी मैंने कस्टर्ड बनाया, उसमें फ्रूट केक्स वगैरह डाल के क्रीम की लेयर्स लगा के और ऊपर जो है वो जेली डाली और पिस्ता, और साइड्स पे जो है वो क्रीम जो है वो ऑलपर्स की विप क्रीम जो है वो मैंने यहाँ पे डाली है। और ये हमारा अच्छा सा खूबसूरत सा जो है वो ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में हमारा डिज़र्ट हो गया रेडी। थोड़ी सी एफर्ट करें आप तो आप बहुत कुछ स्पेशल बना सकते हैं, तो इस तरह के दिन को स्पेशल बनाना ही चाहिए। यहाँ पर जी मैंने ड्रेस को प्रेस किया है और साथ जो जो एसेसरीज़ और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं रख रही हूँ। ये छोटा सा बैज और परफ्यूम हो गया, और इसके साथ साथ ये जो खुसा जो मैंने लिया था वाइट में, सिंपल वाइट मैंने लिया, मैंने कहा चलें बाद में भी काम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इयररिंग्स मैंने ये वाइट वाली रखी थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने छोटी वाली पहन ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा जो है ना इरिटेशन होने लग जाती है। तो ये वाला खुसा मैंने लिया है, अभी जो है मेरे पास एक और भी वाइट मेरा ड्रेस है तो इसके साथ भी चल जाएगा। मैं भी जो है वो रेडी हो गई हूँ, मैंने जो है वो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ड्रेस ये पहना है ग्रीन और वाइट, साथ में थोड़े से नेल्स फैंसी होने के लिए, और इसके अलावा जो है वो थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है। तो इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ, और आई होप कि आप लोगों ने भी जो है वो ड्रेस वगैरह पहना होगा क्योंकि ये आज़ादी का दिन है तो हमें जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। तो तो भी मैंने सोचा कि आपको ड्रेस दिखा दूं अपना। जी मैंने नीचे जो है वो खुसा पहना था वाइट, और वाइट जो है वो साथ में ट्राउज़र मैच किया, और ये फ्रॉक था जो मैंने दिया था, और यहाँ पे मैं फ्लैग लेके तो थोड़ा सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।